नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनवरी के लास्ट में हमारे गार्डन में कुछ ऐसे काम करने ज़रूरी होते हैं जिससे कि हमारा गार्डन पूरी गर्मी अच्छे से फल फूल देता रहे और सभी पौधे जो है वो हेल्थी रहे, क्योंकि गार्डन को अपने गार्डन का ध्यान समय समय पर रखना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है ये सब काम शेयर करूं ताकि आप भी अपने गार्डन का समय पर ध्यान रख सकें। अगर आप भी ये सारे काम करेंगे तो आपके भी गार्डन में अच्छे से फल फूल आते रहेंगे और सारे पौधे जो हैं वो हेल्थी रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर एक, कलेक्ट लीव्स। दोस्तों, जनवरी में क्या होता है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं मोस्टली सभी पत्तियां जो है वो गिर जाती है, और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, उन सारी पत्तियों को कलेक्ट कर लेना चाहिए ताकि हम उनसे एक अच्छा लीफ कंपोस्ट तैयार कर सकें। मैं हर साल ऐसे ही करता हूँ और सारी पत्तियों को इकट्ठा करके मैं एक जगह पर डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप छत पर एक कॉर्नर में जो है इनको इकट्ठा कर सकते हैं या किसी जालीदार बर्तन में या बड़ी टोकरी में इनको रख सकते हैं। लीव कंपोस्ट इंडोर आउटडोर दोनों प्लांटों के सॉइल में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली जो है इनको बॉन्साई सॉइल के अंदर यूज़ करता हूँ। मैं इन पत्तियों से कैसे खाद तैयार करता हूँ इस पर अगर आप कहेंगे तो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो आप भी अगर आपके आसपास बड़े ट्री हैं या अपने छोटे प्लांटों के भी अगर पत्तियां गिर गई है तो उनको फेंकने से अच्छा है कि आप उनको क्लैक कर लें, उनसे बहुत अच्छी खाद जो है आप तैयार कर सकते हैं। नंबर दो, रिमूव वीड्स। आपने देखा होगा इस समय के सोइल में बहुत सी जो वीड्स हैं वो ग्रो हो जाती है, क्योंकि इस मौसम में सोइल में नमी होती है तो वीड्स के सीड्स को ग्रो करने में आसानी होती है। और वीड्स जब गमले में ग्रो करती है, गार्डन में ग्रो करती है, वीड्स न्यूट्रिएंट्स लेकर ग्रो कर जाती है और हमारे प्लांटों को जो है न्यूट्रिएंट्स पूरा नहीं मिल पाता, इसलिए वीड्स को जो है हमें निकाल देना चाहिए। तो इस समय पर आप अपने गार्डन में या अपने गमलों में जो भी वीड्स ग्रो हो रही है उनको निकाल दें ताकि आपके पौधे को पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जो वीड्स हैं वो आपके पौधे से भी अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन आपके पौधे की जो हेल्थ है वो ख़राब होने लगेगी। तो वीड्स निकालना बहुत ज़रूरी है। नंबर तीन, फर्टिलाइज़र। जनवरी के लास्ट में या फरवरी में जो है आप जो है अपने पौधों को गुड़ाई करके उसमें खाद ऐड कर दें ताकि आने वाले समय में पौधे अच्छे से फल फूल दे सके। आप गोबरी खाद, बोन मील, नीम खली आदि सोइल में जो है ऐड कर सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र को समय समय पर पौधे को देते रहें। अगर आप कहेंगे तो हम एक फर्टिलाइज़र पर स्पेशल वीडियो बना देंगे, आप कमेंट करके मुझे बता देना इस पर अगर आपको वीडियो एक देखना है तो। नंबर चार, सीड्स। अगर आपने पॉली हाउस में या कवर करके बीज लगाए हुए हैं जो कि मैंने आपको पहले बताए थे, नवंबर दिसंबर में भी लगाए जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने उस टाइम पे नहीं लगाए थे या आपके पास ये सब चीज़ें नहीं थी, आप खुले में लगाना चाहते हैं तो फरवरी के फर्स्ट मंथ में या जनवरी के लास्ट में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे अभी भी तेज़ ठंड है तो जनवरी के लास्ट की बजाय आप फरवरी में लगाइएगा, और इस बार आपको इनको कवर करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि फरवरी में जो है मौसम जो है चेंज हो जाता है, इतनी ठंड नहीं रहती है तो उससे कि आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे सीड्स जो है ऐसे ही ग्रो हो जाएंगे। नंबर पाँच, कटिंग्स। देखिए, कटिंग्स के ऊपर हमने पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप सर्दियों में कटिंग लगाते हैं तो उसको आपको कवर करना होगा, लेकिन आपने उस टाइम पे नहीं लगाई थी और आप अब कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप जो है इस टाइम जब कटिंग लगाएंगे तो आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं होगी। जनवरी के लास्ट से लेकर फरवरी तक आप कटिंग्स लगा सकते हैं क्योंकि इस टाइम पर जो है कटिंग्स जो है बहुत ही आसानी से ग्रो करती है, रूट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है। सभी पेड़ पौधों की ग्रोथ आपने देखा होगा फरवरी में स्टार्ट होती है, तो इस टाइम पे अगर आप कटिंग लगाएंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप कौन कौन सी कटिंग्स लगा सकते हैं इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आगे समय आने पर मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा कि हम कौन कौन सी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप रूट हार्मोन का उपयोग कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे स्टोर पर चेक कर सकते हैं जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नंबर छः, रिपोर्टिंग। बहुत से दोस्त जो रिपोर्टिंग है वो सही समय पर नहीं करते जिसकी वजह से उनके पौधे जो है ख़राब हो जाते हैं और सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप जनवरी लास्ट से लेकर फरवरी तक जो भी पौधों की रिपोर्टिंग करेंगे उनका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय पर पौधे जो है अपनी ग्रोथ पर होते हैं तो वो ईजिली सर्वाइव करते हैं और जल्दी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं और पौधे हेल्दी रहते हैं। तो आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो जनवरी के लास्ट से फरवरी तक कर सकते हैं। नंबर सात, ग्राफ्टिंग। गुलाब, अमरूद, आम,
किसी पर भी ग्राफ्टिंग करनी हो तो आप जनवरी के लास्ट से लेकर फरवरी तक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पौधे की ग्रोथ का सीजन होता ही है, तो इस टाइम पे जब आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो ग्राफ्टिंग का जो रिजल्ट है वो आपको अच्छा और जल्दी देखने को मिलेगा। आप सभी तरह की ग्राफ्टिंग इस समय पर कर पाएंगे, जैसे कि वी ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग, मल्टी ग्राफ्टिंग, सभी तरह की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप मेरी ग्राफ्टिंग की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप भी इजीली जो ग्राफ्टिंग कर सकेंगे। नंबर 8, इंसेक्टसाइड। देखिए, मौसम बदलते ही कुछ प्रॉब्लम भी पौधों के साथ आती है, खासकर इस टाइम पर जो है आपको एफिड्स का अटैक जो है अपने पौधों में देखने को मिल सकता है। एफिड जो है जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक जो है पौधों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इस समय आप जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल स्प्रे आप घर पर भी बना सकते हैं, इसका भी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि बना बनाया नीम ऑयल आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। नीम ऑयल आपको हमारे स्टोर पर भी मिल जाएगा। गुलाब जैसे पौधे जिसमें फंगस की प्रॉब्लम आती है उसमें फंगिसाइड का भी प्रयोग ज़रूर करें। नंबर 9, प्रूनिंग। देखिए, इंसेक्टसाइड स्प्रे या फंगिसाइड स्प्रे करने से पहले एक चीज़ का देना कि अगर आपको पौधे को कटाई छटाई की ज़रूरत है तो पहले वो कर लें। प्रूनिंग करने के बाद पौधा घना हो जाता है, फूल ज़्यादा आते हैं और गली सड़ी ब्रांचें निकालने से पौधा जो है वो रोग रहित हो जाता है। इसलिए प्रूनिंग जो है वो जनवरी लास्ट से फरवरी तक कर ले, यानी कि न्यू ग्रोथ स्टार्ट होने से पहले। नंबर 10, स्टार्ट बॉन्साई। अगर आप बॉन्साई के शौकीन हैं या बॉन्साई शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए एकदम सही समय है, क्योंकि जनवरी लास्ट से लेकर फरवरी तक पौधा अपनी ग्रोथ पर होता है और इस समय पर अगर आप किसी पौधे को बॉन्साई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम है। तो आप कोई भी बॉन्साई सूटेबल प्लांट लाकर उसको बॉन्साई के लिए ट्रेन कर सकते हैं। बॉन्साई कैसे बनाया जाता है इस टॉपिक पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है हिंदी में कि हम बॉन्साई कैसे बना सकते हैं। वो प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो आप भी अपने खुद के लिए जो है बॉन्साई तैयार कर सकेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ काम है जो एज ए गार्डन हमें जो है जनवरी के लास्ट या फरवरी में कर लेने चाहिए। आप इनमें से कौन कौन से काम करने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारा एक सेकंड चैनल भी है, तो आप सब उस चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करें। उसमें मैं जो है लाइफस्टाइल व्लॉग जो है वो ऐड करता हूँ, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। ममल व्लॉग्स के नाम से जो है वो चैनल है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।